फ्रेंड्स वेलकम बैक। लेट्स प्रोसीड फ्रॉम वेयर वी हैड स्टॉप्ड। हमने पिछली क्लास में स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना सीखा था अंडर रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में कुछ और, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। रिकॉल करो, हमने बहुत पहले कंबाइंड मीन पढ़ा था, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, हमने कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी पढ़ा था। वैसे ही एक कंसेप्ट होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी हमें दो ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन भी रिगार्डिंग तीन एस्पेक्ट होगी। हमें दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, यानी N1 और N2। देन दोनों ग्रुप्स का मीन भी गिवन होगा, यानी X1 बार और X2 बार, और दोनों ही ग्रुप्स का स्टैंडर्ड डिविएशन यानी Neta 1 और Neta 2 गिवन होगा। अगर टू ग्रुप्स हैं तो, अगर थ्री ग्रुप्स हैं तो बेटा ऑब्वियसली N1, N2, N3 आपको दे रखा होगा, X1 बार, X2 बार, X3 बार दे रखा होगा और Neta 1, Neta 2, Neta 3 दे रखा होगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं फॉर टू ग्रुप्स। This is Neta 1, 2, Neta 12 नहीं बोलेंगे बेटा इसको, 1 और 2 which denotes two groups. The formula is थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है, रूट भी इन्वॉल्व है। अब N1 N2 आपको पता है, N1 पता है, Neta 1 पता है, व्हाट इज D1? तो देखें, D1 इज X बार 1 2 माइनस X1 बार एंड D2 इज X बार 1 2 माइनस X2 बार। ओके, आप में से जो भूल गए हैं कि X बार 1 2 क्या है तो उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। X bar 1 2 is N1 X1 bar plus N2 X2 bar upon N1 plus N2। यानी पहले हमें कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, कंबाइंड मीन में से इन मीन्स को लेस करेंगे तो D1 D2 आएगा एंड वी विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, एक छोटी सी बात, D1 की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी, और एक्चुअली अगर दो पेयर्स है तो एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव। कुछ बुक्स में ये गिवन है मॉड्यूलस, बट इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि D1 का स्क्वायर काम आ रहा है, D2 का स्क्वायर काम आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ये नहीं लगाएं क्योंकि इट मेक्स नो सेंस। तो दिस इज योर फॉर्मूला इन केस ऑफ टू ग्रुप्स। तो लेट्स टेक अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड अप्लाई इट। तो सपोज वी आर गिवन N1 इज 10, N2 इज 40, Neta 1 इज, सॉरी, X1 बार इज 40, X2 बार इज 60, Neta 1 इज 4 एंड Neta 2 इज से 5। लेट दिस बी सम डेटा। ओके, जो इसका डायरेक्ट पैटर्न है उसमें आपको ये छह चीजें गिवन होगी एंड फ्रेंड्स अगेन ये छह चीजें हमें पैरा फॉर्मेट में होगी, ये ध्यान रखना है ना। इस तरह से नोटेशन फॉर्म में नहीं गिवन होगी, इट वुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। तो उस पैराग्राफ से आपको पिकअप करके लिखना है N1 कितना, N2 कितना, X1 बार कितना, X2 बार कितना एंड सो ऑन। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, बट बिफोर दैट लेट्स फाइंड द कंबाइंड मीन। टेन इंटू 40 प्लस 40 इंटू 60 अपॉन 10 प्लस
40. This is 400 plus 2400 upon 50. This is 2800 upon 50, which is equal to 56. So we've got our combined mean x bar 12 आ गया. अब हम d1 d2 निकाल देते हैं. तो d1 और d2 x bar 12 माइनस x1 bar, तो ये हो जाएगा आपका 56. 56 यहां से आया और x1 bar 40, सो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 56 अगेन माइनस x2 bar, दैट इज 60, इट इज माइनस 4. तो ऑब्जर्व करें, एक बार हमने क्या सीखा है, हमने गिवन डेटा से पहले कंबाइंड मीन निकालना है बेटा. यानी अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आता है तो ये डबल क्वेश्चन है, कंबाइंड मीन निकालना ही पड़ेगा. आफ्टर फाइंडिंग द कंबाइंड मीन आपको D1 और D2 निकालने पड़ेंगे एंड देन विल अप्लाई द फाइनल फॉर्मूला. कॉपी करें आप इसको. हम D1 D2 यहां रख देते हैं. D1 हमारा निकला है 16 और D2 निकला है -4. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. N1 स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2. ओके फ्रेंड्स, अब हम वैल्यूज रखते हैं. N1 है हमारा 10. यहां हम सीधा नीटा 1 का स्क्वायर ही लिख देते हैं ना, सारे स्टेप्स लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो 4 का स्क्वायर है ना, नीटा 1 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड देन D1 का स्क्वायर, D1 हमने निकाला था 16, 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस N2 इज 40. अब नीटा 2 का स्क्वायर, नीटा 2 है हमारा 5 का स्क्वायर 25 एंड D2 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस का 16 एंड देन N1 प्लस N2. So this is 2710 plus this is 41 into 40. Whole upon 50. This is 4350 upon 50. Let's use the calculator. Four three five zero divided by 50. This is 87. Root 87. This comes out to be 9.327. तो ऑफ कोर्स इट वाज अ बिट लेंथी, बट आपको बता दूं प्रीवियस सीपीटी या सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट्स में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. तो सच अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. हमें बस कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से करने की प्रैक्टिस करनी है. ओके, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, माय ऑब्जर्वेशन. कंबाइंड मीन हमेशा
उन दो मीन्स के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ दो मीन थे 40 और 60, तो जो कंबाइंड मीन आया था वो आया था हमारा 56, जो 40 और 60 के कहीं बीच में है। लेकिन दिस डज नॉट अप्लाई टू स्टैंडर्ड डिविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन उन दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज से बाहर आता है। आप देखेंगे 4 और 5 के बीच में नहीं है, योर आंसर इज बियॉन्ड 4 एंड 5। तो ये छोटी सी बात है जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे फॉर 3 सेट ऑफ वैल्यूज, जो थोड़ा और लेंथी होगा। So this time n1 is 20, n2 is 30, and n3 is 50, x1 bar is 30, x2 bar is 40, and x3 bar is 60, neta 1 is 5, neta 2 is 7, and neta 3 is 10. ये आपको गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कंबाइंड मीन एंड d1, d2 और d3। कंबाइंड मीन इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। मैंने तीन वैल्यूज जानबूझ के ली है टू टीच यू कैलकुलेटर से कैसे फास्ट करते हैं। तो आपको मैंने मेमोरी का सिखाया है, उसी का यूज करते हैं बेटा। तो हमें n1 x1 बार करना है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डालेंगे। तो क्या स्टेप्स रहेंगे, आप भी अपना कैलकुलेटर हाथ में लेके देख सकते हैं। 20 × 30 इक्वल टू प्रेस नहीं करना बेटा, 20 × 30 मेमोरी प्लस, देन 30 × 40 मेमोरी प्लस, 50 × 60 मेमोरी प्लस। तो यू गेट द टोटल, द टोटल इज 3000। सॉरी MRC दबाना है, द टोटल इज 4800। द टोटल इज 4800, जो लिखना भी नहीं है बेटा, वो हमारे कैलसी पे आ रखा है, एंड डिवाइड बाय इनका सम 100। तो आई हैव द टोटल 4800 डिवाइड बाय 100, दिस गिव्स अस 48। तो कैलकुलेटर आपका स्पीड बढ़ा देगा बेटा, है ना। आई रिपीट, आपको क्या करना है, 20 × 30 मेमोरी प्लस, 30 × 40 मेमोरी प्लस, 50 × 60 मेमोरी प्लस, एंड देन MRC विच विल जनरेट द ग्रांड टोटल, एंड देन डिवाइड बाय द सम ऑफ n 100। अब d1 d2 d3 निकाल देते हैं। अगेन हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, कंबाइंड मीन माइनस द रेस्पेक्टिव मीन्स, द रेस्पेक्टिव मीन्स आर 30, 40 एंड 60। सो इट्स 18, इट्स 8 एंड इट्स -12। ये जो वैल्यूज आई है हम यहां रख देते हैं बेटा, हम यहां रख देते हैं कि d1 आ गया हमारा 18, d2 आ गया हमारा 8 और d3 आ गया हमारा -12. Now we will apply the formula of neta 1 2 3. n1 neta 1 square plus d1 square plus n2 neta 2 square plus d2 square plus n3 neta 3 square plus d3 square upon n1 plus n2 plus n3.
अगेन कैलकुलेटर पे इसको कैसे फास्ट करें, तो एमआरसी दबा दे ताकि मेमोरी क्लियर हो जाए। हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को मेमोरी में डाल देंगे और एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखें बेटा, सबसे पहले 5 × 2, तो 5 × मेमोरी प्लस, एंड देन D1 का स्क्वायर, तो 18 × मेमोरी प्लस MRC, तो वी गेट द 349 × N1, दैट इज 20, तो × 20 दैट गिव्स अस 6980। देखिए नेक्स्ट टोटल कैसे करेंगे, हमें नीटा 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 7 × मेमोरी प्लस, एंड देन 8 × मेमोरी प्लस MRC इज 113 × 30 × 30, इट्स 3390। MRC दबा दें दो बार, देन नीटा 3 का स्क्वायर, दैट इज 10 × मेमोरी प्लस 100 आ गया, 12 × मेमोरी प्लस 144, MRC दबाने पे 244 × 50, दिस इज 12200, द होल डिवाइडेड बाय 100। उसका रूट 15.02। ऑब्जर्व कर लें, जो कंबाइंड मीन था वो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के कहीं बीच में था 48, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कंबाइंड 15 आ रहा है, विच इज बियॉन्ड 5 और 10। तो ये तरीका था कि हम कैसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। कॉपी करें, ये डायरेक्ट पैटर्न है, मोस्ट लाइकली आपसे डायरेक्ट पैटर्न ही पूछा जाएगा क्योंकि ये भी रीजनेबली लेंथी हो जाता है, बट दे मे आस्क यू मिसलेनियस क्वेश्चन ऑल्सो, जहां कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो गिवन होगा लेकिन सम वैल्यूज अमॉन्ग दीज वुड बी मिसिंग। स्टेप्स यही रहेंगे, रिकॉल करें हमने कंबाइंड मीन में 5 पैटर्न पढ़े थे, 1 डायरेक्ट और 4 इनडायरेक्ट, तो ऐसे 1-2 पैटर्न यहां भी पॉसिबल है, वो आपके असाइनमेंट में है, आप ट्राई करें, एंड इफ यू हैव डाउट्स लेट मी नो। तो दिस वॉज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। हम कंबाइंड वेरियंस भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दें तो वो हो जाएगा कंबाइंड वेरियंस। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, एंड ये क्वेश्चन भी हमारे ओल्ड अटेम्प्ट्स में आ चुका है, हाउ टू फाइंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम अ गिवन रॉन्ग स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी बेटा इस क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि एक स्टूडेंट से या एक कैंडिडेट से कुछ गलती हो गई, वो गलती कहाँ हुई उसके बारे में जानकारी गिवन होगी। तो देखते हैं ये पैटर्न क्या है, इट इज टाइटल्ड रॉन्ग स्टैंडर्ड डिविएशन। वो सीखना नहीं है, रॉन्ग स्टैंडर्ड डिविएशन से हाउ टू फाइंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको दे रखा होगा कि कोई 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन 60 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन सपोज 8 है, एंड नाउ दे विल से अ वैल्यू ऑफ एक्स वाज रॉन्गली टेकन एज 56 इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वैल्यू 65।
यानी जिस भी व्यक्ति ने ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला उससे एक गलती हो गई बेटा, जो 20 वैल्यूज थी उनमें से 19 वैल्यूज तो सही ली बट एक वैल्यू गलती से 56 ले ली, उल्टी ले ली एक्चुअली, करेक्ट वैल्यू था 65। अब एक वैल्यू गलत लेंगे और समीशन मेथड दिमाग में लाएं तो बेटा सिग्मा एक्स भी गलत आएगा, और सिग्मा एक्स गलत आएगा तो मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो मीन भी गलत आएगा, यानी जो आपको मीन गिवन है 60 ये रॉन्ग है। अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो बेटा वहां तो दो गलतियां हुई है, सिग्मा एक्स भी गलत और सिग्मा एक्स स्क्वायर भी गलत, क्योंकि हमने 56 का स्क्वायर ले लिया होगा जबकि लेना था 65 का स्क्वायर। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, ये भी है अराउंड 3 मिनट्स ले लेता है। तो हाउ टू सॉल्व इट, ये क्वेश्चन भी डबल क्वेश्चन है बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको कंबाइंड मीन भी निकालना पड़ा एंड देन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहां पे भी हमें रॉन्ग मीन की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। रिकॉल करो हमने रॉन्ग मीन से करेक्ट मीन निकाला था तो वो वाला स्टेप ऑलमोस्ट काम आएगा। तो लेट्स सॉल्व इट, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार, ये हम कैलसी पे करेंगे तो और फास्ट होगा, 20 इंटू 60 दिस इज 1200, ये 1200 रॉन्ग टोटल है, वाई क्योंकि ये x बार 60 रॉन्ग मीन है, थोड़ा इमेजिन करें ना, रॉन्ग टोटल 1200 आया होगा तभी तो 1200 डिवाइड बाई 20, वी हैव गॉट 60, तो वी हैव रीच टू द रॉन्ग टोटल। अब हम लिखेंगे करेक्ट सिग्मा x इज रॉन्ग सिग्मा x प्लस माइनस एडजस्टमेंट, तो दिस इज 1200 माइनस 56 प्लस 65, वन टू जीरो नाइन, लेट्स वेरीफाई, 1265 माइनस 56, ओके। हाँ अगर हम इसको इसी क्वेश्चन में अगर करेक्ट मीन मांगा होता तो, है ना, करेक्ट मीन मांगा होता तो 1209 डिवाइड बाय 20, 1209 डिवाइड बाय 20 60.45। दोस्तों ये वाला स्टेप तभी लगाना है जब करेक्ट मीन मांगा हो, अगर सिर्फ क्वेश्चन करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का है तो हमारी ये वैल्यू आगे काम आएगी, ये वाली वैल्यू आप गिव अप कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टू स्टेप्स, हम पहले स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, हम उस फॉर्मूले को स्क्वायर करके लगा देते हैं ताकि उधर का स्क्वायर रूट हट जाए। नीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए इधर भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा सो डेट इट सेव्स टाइम, यहां पर भी वही किया हमने, पहले ही स्क्वायर कर दिया इसीलिए इधर स्क्वायर आ गया और इधर का रूट हट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, रिकॉल करें हमने पहले क्या रखी थी रॉन्ग वैल्यू, तो यहां पे भी हम सबसे पहले सेट ऑफ रॉन्ग वैल्यूज रख देते हैं। तो रॉन्ग नीटा 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, सिग्मा एक्स स्क्वायर रॉन्ग वाला तो अभी निकल के आएगा, रॉन्ग सिग्मा एक्स 1200, तो वी हैव पुट ऑल द रॉन्ग वैल्यूज, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग आएगा और ये भी रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सो दिस इज 60, 60 का स्क्वायर 3600, ये 60 आ गया बेटा, 60 का स्क्वायर 3600, वो माइनस का है तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3600 इधर प्लस हो गया तो 3664 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20, 20 को भी मल्टीप्लाई कर लें, विल गेट द करेक्ट टोटल 3664 इंटू 20, दिस इज रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर, वी नीड टू करेक्ट इट इन द सेम फैशन, तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एडजस्टमेंट,
अब यहां एडजस्टमेंट का ध्यान देना है बेटा, यहां एडजस्टमेंट जो था वो x के अंदर था, तो हमने 56 और 65 लिया, यहां पे एडजस्टमेंट x स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा 73280 माइनस 56 प्लस 65। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा बेटा, एंड दिस इज अगेन अ कॉमन मिस्टेक, बीइंग अ टीचर आई ऑब्जर्व कॉमन मिस्टेक्स। आपको यहां करना है 56 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा हम एक्स स्क्वायर कॉलम में डील कर रहे हैं, तो जब स्टूडेंट से गलती हुई होगी तो उसने 56 का स्क्वायर ले लिया होगा जब सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला होगा, और लेना क्या भूल गया, 65 का स्क्वायर। दिस टोटल इज 74369, सो दिस इज द करेक्ट सिग्मा एक्स एंड दिस इज द करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बट विद द रूट। यहां ध्यान रखना है बेटा, ये टोटल गलत टोटल है, ये नहीं लेनी है, ये टोटल भी गलत टोटल है, नहीं लेनी है, हमें चाहिए करेक्ट टोटल्स। तो ये आ जाएगा आपका 74369 डिवाइड बाय 20 माइनस द करेक्ट टोटल इज 1209, 1209 डिवाइड बाय 20 का होल स्क्वायर, सो दिस इज डिवाइड बाय तो दिस इज द वर्किंग। आपको मीन का फॉर्मूला दो बार लगाना पड़ेगा बेटा, एक बार यहां, एक बार फिर यहां, अगर करेक्ट मीन चाहिए तो। एंड सेम वे स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला एक बार लगेगा रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, फिर एडजस्टमेंट, एंड फाइनली टू फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन। तो दीज वर द स्टेप्स टू फाइंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम रॉन्ग स्टैंडर्ड डिवीजन एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन वी हैव बीन गिवन। ओके, ये दोनों पैटर्न्स थोड़े से लेंथी या मिसलेनियस हैं, बट घबराना नहीं है बेटा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, डोंट गिव अप, है ना। सब डायरेक्ट क्वेश्चंस या इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। तो इधर देखें, इफ आई से द वैल्यूज आर 5 5 5 5 5 5, देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? रिप्लाई, द आंसर इज द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0, द रेंज इज 0, द क्वार्टाइल डिविएशन इज 0, द मीन डिविएशन इज 0, इफ ऑल वैल्यूज आर सेम, दैट इज कॉन्स्टेंट, देन all the measures of dispersion are zero because scatterness, spread, variation is zero. Dispersion किस study, किसकी study है बेटा, कि value कितना vary करती है, यहाँ vary कर ही नहीं रही है। Proof लेते हैं हम इसका, range निकालें एक बार, तो range होता है h minus l, तो बेटा highest भी 5, lowest भी 5, तो range zero आ गया। और अब हम निकालते हैं standard deviation, तो x और x square summation method लगा लेते हैं, this is 30, ये सब 25 25 25 25 25 25, this is 150, let's apply the formula,
150 डिवाइड बाय 6 माइनस 30 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर, दिस इज 25 एंड दिस इज 30 अपॉन 6 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, रूट ऑफ 0 इज 0. तो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. और अगर हम वेरिएंस की भी बात करें तो वो होता है नीटा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज. तो इफ द ऑल द वैल्यूज आर सेम देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0, वेरिएंस इज 0 एंड ऑफ कोर्स अवर सीवी इज ऑल्सो 0. सीवी क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100. तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 अपॉन द मीन, मीन इज 30 अपॉन 65, 0 इनटू एनीथिंग इज 0. तो इफ ऑल वैल्यूज आर सेम, आई रिपीट, रेंज इज 0, क्वार्टाइल डिविएशन इज 0, मीन डिविएशन इज 0, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0, वेरियंस इज 0, सीवी इज 0. एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस. इफ आई से वी नीड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज वैल्यूज, तो ऑब्वियसली विच मेथड विल बी अप्लाई. जो अभी तक की हमारी नॉलेज है, आप कौन सा मेथड लगाएंगे? आप कहेंगे समेशन, क्योंकि ये न टू वैल्यूज है न फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर है, तो आपको लगेगा समेशन लगा देते हैं और कैलकुलेटर ट्रिक से हम इसको 1.5 मिनट्स में कर लेते हैं, 2 मिनट्स में कर लेते हैं. नो बेटा, ये सिर्फ 20 सेकेंड्स में किया जा सकता है. वी यूज द प्रॉपर्टी. तो हम प्रॉपर्टी पे आने वाले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन लेते हैं तो उसकी ब्यूटी पता लगती है. प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चारों मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की जो हम आज डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डिटेल में. मीन में रिकॉल करते हैं, हमने मीन मोड मीडियन में पढ़ा था कि मीन मोड मीडियन इज प्रोपोर्शनली अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल. यानी कोई वैल्यू प्लस करने पर मीन में उतना ही प्लस हो जाता था, माइनस करने पर उतना ही माइनस हो जाता था, इनटू करने पर उतने नंबर से इनटू हो जाता था, और डिवाइड के साथ भी वैसा ही. लेकिन डिस्पर्शन अलग है बेटा. डिस्पर्शन की प्रॉपर्टी क्या है सुने एक बार. ऑल द फोर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं, कोएफिशिएंट्स की नहीं. तो ऑल द फोर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्यू डी, एम डी और एस डी, आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल बाय चेंज इन ओरिजिन, दैट इज प्लस एंड माइनस. आप प्लस कर लें, माइनस कर लें, कोई भी कॉमन वैल्यू, दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड. उसका प्रूफ लेंगे हम. But they are affected proportionally by change in scale, यानी into or divide से वो effect होंगे. इसका भी proof लेंगे, लेकिन पहले हम इस पर लगाते हैं and give a homework, जहां आप check करना. तो आपका homework ये है कि आप इसको summation से करेंगे और देखेंगे answer क्या आता है. और हम इस पर property लगाते हैं, हम एक काम कर देते हैं, हम x dash करते हैं, जिसमें इन सब में से भी reduce 23, इस सभी में से minus 23 कर दें बेटा, माइनस 23, तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ रिकॉल, व्हाट आर दीज फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला था एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12. ओरली कर दें, 7 रख दें, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, 48 अपॉन 12 इज 4, 4 का रूट इज 2. तो इट जस्ट took 10 टू 20 सेकेंड्स टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सच वैल्यूज. समेशन से करते तो टाइम लगता, बट समेशन से करें सो दैट यू रियलाइज कितना जल्दी हम कर सकते हैं.